बहुत सक्सेस। अगले साल तक वो तैयार हो जाए ताकि सेशन स्टार्ट होने से पहले हम उसको टेकअप कर लें
और वो काम जो है जल्द से जल्द शुरू करवा दें। गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सदारत में इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो दूर दराज इलाकों में जाके पहुंचे विभागशील सुने। एक जो ग्राउंड पे ऑफिशियल मशीनरी है उस पर भी चेक रहता है उनकी परफॉर्मेंस पे और उनके भी जो इश्यूज हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, ताकि उसमें भी एडिल एडवाइस किया जा सके। फंडिंग के जो इश्यूज हैं, प्लानिंग के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए। पिछले लगभग 5 घंटे से हमने यहाँ के लोगों को भी सुना है, जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इलेक्टेड चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन मेंबर्स, उन्होंने भी अपनी फीडबैक दी है, डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी सारे इश्यूज पे अपनी बात रखी है। और मुझे लगता है कि जो मेजर इश्यूज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन से प्लानिंग प्रोसेस में सभी लोगों को एक टेबल बनाने से रिजॉल्व हो जाते हैं। बाकी जो यूटी लेवल के प्रोविंशियल लेवल के इश्यूज हैं वो कंसर्न एचओडी से सेक्रेटरी से किए जाएंगे और फ्रिक्वेंटली जैसे इस किस्म का आने वाले दिनों में फीडबैक का एक जो मैकेनिज्म है उसमें भी बताया जाएगा कौन सी चीज़ें की गई हैं। मेजर तौर पे जो मुझे लगता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो डिमांड है उसमें लिए गवर्नमेंट भी वचनबद्ध है और उस पर हम काम कर रहे हैं। PMAY की बड़ी डिमांड आई है यहाँ पर, नरेगा के जो पेमेंट है या जो फंडिंग में इन्हांसमेंट करने की जरूरत है, बॉर्डर बंकर्स का मसला है। बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि लोगों ने एजुकेशन का, स्कूल्स का, लाइब्रेरीज के जो मुद्दे हैं वो यहाँ पे रेज किए हैं और जो काम हो रहा है उसमें भी अपनी परफॉर्मेंस शेयर करते हुए और बताया है। जैसे इरीगेशन में जो काम डिपार्टमेंट ने किया है उसमें फर्दर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू मिलकर, उस पर चर्चा हुई और बड़ा बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन हुई। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा।